नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है दिन मंगलवार और डेट है 9 फरवरी। तो आप सब कैसे हैं? और दोस्तों, मैंने आज इतने दिन तक वीडियो क्यों नहीं डाला, मैं बताती हूँ। मेरा फ़ोन जो है तो वो ख़राब था, चार्जिंग नहीं हो रही, चार्ज नहीं हो रहा था। तो इस वजह से इसे दुकान में दिखाया है, तो 10-15 दिन मैंने वीडियो नहीं डाला, इसके लिए सॉरी। तो आज मैं अपना वीडियो डालूंगी। तो प्लीज़ दोस्तों, जैसे आप लोग मेरा वीडियो हर रोज़ देखते थे, तो आज भी देखिएगा। और चलिए, अभी मुझे बनाना है नाश्ता। तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू आए तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मैं सबको रिप्लाई कर दूंगी, जो भी मेरे वीडियो को देखेंगे, मुझे सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं सबको रिप्लाई कर दूंगी। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, अभी बनाते हैं मॉर्निंग का नाश्ता। और अभी 8 बज चुके हैं, मैंने नहा लिया है और मैंने पूरा काम मॉर्निंग का ख़त्म कर लिया है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी आ गई हूँ किचन में, और किचन में यहाँ पर दूध रख दिया है पकने के लिए। जो अभी मैंने सुबह का दूध भैंस का निकाला था, तो वही मैंने पकने के लिए रख दिया है ढक करके। और ये जो भगोने की है मलाई है, ये रात वाला दूध है, मैंने रात को पका करके रख दिया था। तो इसमें रात को पका के रख देती हूँ दूध को, तो मलाई बहुत मोटी मोटी निकलती है। तो ये देख सकते हैं आप, मैं इसे अभी, ये जो झंझिया है, जो छेद वाली होती है, इसे हमारे यहाँ झंझिया बोलते हैं। तो ये देखिए, सो मैं इससे निकाल रही हूँ, जो भी दूध एक्स्ट्रा होगा इसका दूध, तो ये छट जाएगा। और मलाई मलाई मैं इस भगोने में डाल देती हूँ, मलाई वाले में। और ये लोटे का दूध भी है ना जो, तो ये कल सुबह का है, इसे भी मैंने शाम को पका कर रख दिया था। मैंने कहा ठंडी है, कौन सा ख़राब होना है, तो इस वजह से मैंने रख दिया था। और अभी ये चाय में यूज हो जाएगा, तो इसकी भी मलाई निकाल लेती हूँ। और रात में ना काफ़ी मोटी मलाई होती है, तो मलाई निकालने का मैं एक ट्रिक बताऊँ आपको। जैसे हम लोग दूध आता है भगवान, जैसे दूध आप कोई भी खरीदता है, किसी किसी के पास भैंस नहीं होते, तो मैं उनके लिए भी बता देती हूँ। जैसे हम लोग दूध लेते हैं, तो जैसे दूसरे भगोना, जैसे भगोना है, तो दूसरे भगोने में पहले 1.5 कप पानी डाल लो अपने हिसाब से जितना डालते हो, और उसमें फिर दूध छान के डाल दो, और उसे रख दो दूध पकने के लिए। और उसमें एक ढक्कन रख दो, ताकि एक बॉयल होने तक गैस भी नहीं ज़्यादा लगेगी, और बॉयल भी जल्दी, उबाल भी जल्दी आने लगती है। तो बस देखते रहो खड़े होके कि उबाल आए तो दूध हमारा गिरे ना, और इसकी जो भाप जल्दी से निकलेगी नहीं, तो इस जो दूध की उबाल है वो जल्दी से आ जाएगी। और फिर जब उबाल आ जाए, तो इसे धीमा करके कम से कम 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दो। और जो भगोने की जो बाट होती है ना, उनमें थोड़ा थोड़ा घी लगा दो, जैसे जहाँ पर पकड़ा जाता है। तो फिर जो भी बॉयल आएगा भी, अगर धीमा हो, सॉरी गैस धीमी हो गई, और फिर भी अगर उबाल आ रही है, तो दूध जो है तो नीचे नहीं गिरेगा, सिर्फ चिकनाहट के मारे अंदर ही पकता रहेगा। और ये मटर देख रहे हैं आप, तो ये मटर मैंने रात में छील करके रख दिया था, तो इसे मैंने एक पानी से धो भी दिया था छील करके। और यहाँ पर हमसे कोचिंग के लिए तैयार हो रहा है, तो इसे मैंने दोबारा से धोल करके दोबारा से पानी डाल के रात में चायदानी में रख दिया था। तो ये देखिए, मैं इस पतीले कटोरे में निकाल लेती हूँ, और मैंने ये मटर को है तो धुल दिया है दोबारा से, और चायदानी में रखा है चाय बनाने के लिए पानी। और ये जो दूध है ना, तो हम लोग दूध लगाए हुए हैं, तो ये लड़का दूध लेने आया था, तो मैंने इसे दे दिया है, ये देखिए। और ज़्यादा नहीं होता है, पर जैसे 3 पाव लगभग हम लोग बेच देते हैं सुबह का, और शाम को तो हम लोग खाना खाने में। तो यहाँ पर जो डिब्बे में दूध दिया था मैंने, तो इसमें दूध लगा था, तो मैंने कहा खंगाल के इसी में डाल देती हूँ, कहा हुआ थोड़ा सा तो पानी है। तो ये देखिए, तो मैंने गैस को जला दिया, और उस साइड मैंने दूध को चढ़ा दिया, इस साइड मैंने कढ़ाई रख दी, क्योंकि मुझे तो दिखेगा बट आपको नहीं दिखेगा ना, दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने चढ़ा दिया उस साइड दूध। तो दूध को मैं धीमी आंच में पकने दूंगी, और कढ़ाई गर्म हो गई है, तो मैं अभी इसमें डाल दी हूँ तेल। और तेल को डालने के बाद मैं यहाँ पर प्याज भी काट लेती हूँ साथ में, क्योंकि मैंने प्याज नहीं काटी थी। और आप लोगों के यहाँ दोस्तों सर्दी कैसी हो रही है? हमारे यहाँ तो बहुत तेज़ी से धूप निकल रही है, तो अभी सर्दी थोड़ा कम है, बट सुबह शाम तो लगती ही है। और तो यहाँ पर देखिए, मैं प्याज काट लेती हूँ,
तो अभी तेल गरम हो गया है, मैंने कहा थोड़ा मैं भी दिख जाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं दिखती हूँ तो मेरी कढ़ाई नहीं दिखती है, और मैं अगर कढ़ाई दिखती है तो मैं नहीं दिखती हूँ। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया था तो मैंने राई जीरा डाल दिया है, तो जीरे मैंने डाल दिए, थोड़ा सरसों भी डाल देती हूँ, वही राई। और वहाँ पर उस साइड देख रहे होंगे तो एक उबाल आ गया था, उसके बाद से ही मैंने दूध को धीमा करके पकने के लिए छोड़ दिया। तो ये कम से कम 10 मिनट तक पकेगा ऐसी धीमी आँच में। फिर इसकी आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, सुबह का दूध शाम को मलाई निकालना, जैसे सुबह पका के रखा फिर शाम को मलाई निकालना, तो बहुत मोटी मलाई निकलती है। तो ये देखिए प्याज भी फ्राई हो गया है और हरी मिर्च भी फ्राई हो गए हैं, और मिर्च को मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया था, क्योंकि जैसे छोटे छोटे काटो ना बारीक से तो बच्चों के मुंह में आ जाते हैं और बच्चे तीखा खाते नहीं हैं, तो इस वजह से मैंने अपने हिसाब से डाले हैं, क्योंकि मैं तो खा लूँगी, जब छोटे हैं तो कहाँ तक बीनते रहेंगे एक एक। तो यहाँ पर मैंने मटर डाल दिया था और इसमें नमक भी डाल दिया है, तो ये ढक्कन ढक दिया था, बट ढक्कन तो छोटा था उसमें आ ही नहीं रहा था, तो मैंने इसलिए थाली ढक दी है, क्योंकि मेरे पास ना ढक्कन नहीं है कढ़ाई का, और वैसे भी किसी किसी बर्तन में आता है और जो पहले के बर्तन है उनमें ढक्कन कहाँ आता है। तो ये देखिए मटर थोड़ा 4-5 दिन के हो गए थे, क्योंकि मेरी नंद ने भिजवाए थे, तो मैं मायके चली गई थी, उसके बाद उन्होंने भिजवा दिए हैं, तो ये रखे थे 4-5 दिन से, तो ये थोड़ा टाइट टाइट से थे, तो इसे मैंने इस वजह से इनको ढक ढक के पका दिया है। तो ये अपनी भाप में ही पक गए, इनमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो ये थोड़ा फ्राई हो गए थे तो मैंने इनमें मसाले डाल दिए, हल्दी ज़रा सी, बिल्कुल हल्दी डाली थी कलर आने के लिए, और थोड़ा सा धनिया डाल दिया और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी हल्की सी, और थोड़ा सा किचन किंग डाल दिया। बस यही मसाले डालते हैं रोज़ में, कौन हर चीज़ गरम मसाले ये सब तो वैसे भी नहीं डाले जाते हैं जैसे कोई चीज़ फ्राई करो। तो यहाँ पर देखिए मसाले भुन गए हैं, तो अभी मैं इसमें डाल देती हूँ धनिया की पत्ती, क्योंकि मटर तो मेरा बहुत अच्छे से पक गया है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया से नाश्ता बन करके हो गया है तैयार। और ये कढ़ाई ना जैसे गैस भी ऑफ कर दो ना तो 5-6 मिनट तक उतना ही ताव रहता है जितना गैस जलने के बाद, तो इस वजह से मैंने धनिया पत्ती डाली थी तो वो भी पूरी पच गई है। तो यहाँ पर मटर को मैंने ढक के रख दिया है, और अभी मैं चाय में का पानी चढ़ा दिया था, चाय पत्ती भी डाल दी थी, तो उसमें अभी मैं अदरक कस के डाल देती हूँ कद्दूकस करके, ये देखिए। और कढ़ाई तो यहाँ पर दूध भी डाल दिया था तो इसमें उबाल आने लगी थी, तो मैं अभी इसमें चीनी डाल देती हूँ, ये देखिए। और इसे अच्छे से 3-4 उबाल आने तक अच्छे से पका लूँगी, तो तभी ये चाय बढ़िया से बनेगी। और थोड़ा सा अगर चाय कच्ची रहे ना तो उसमें टेस्ट नहीं आता, बिल्कुल सा कच्चा कच्चापन रहता है तो फिर स्वाद नहीं आता है, पीने में भी मज़ा नहीं आता है, इस वजह से मैं इसे अच्छे से पका लेती हूँ पहले। तो यहाँ पर चाय मेरी पक गई है। अब आप लोग कहोगे कि ये वीडियो कौन कैसे मैं पूरी दिख रही हूँ, तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड वीडियो शूट कर रहे थे, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि कोई भी काम करूँ तो मैं नहीं दिखती फिर, या फिर कोई फ़ोन लेकर के वीडियो शूट करता है तभी होता है, क्योंकि मेरे पास अभी ट्राईपॉड नहीं है ना, और मैं कह रही हूँ जब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते तब तक मुझे ट्राईपॉड लेना भी नहीं है शायद। और रोज़ पर डे सोचती हूँ ले लूँ, फिर सोचती हूँ अभी क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने चाय सबको नहा दी है, बच्चों को भी नहा दिया है और अम्मा जी को, और अभी ये देखिए कितना बढ़िया सा मटर दिख रहा है, तो ये भी मैं नाश्ते में दे रही हूँ अम्मा जी को और बच्चों को, और मैं भी, और मेरे हस्बैंड तो अभी उठे हैं तो अभी वो फ्रेश फ्रेश होंगे तभी वो चाय पियेंगे। तो दोस्तों नाश्ता वास्ता कर लिया है और मैंने कहा थोड़ा आप लोगों से बातें कर लेते हैं और वीडियो को भी एंड कर देते हैं। तो अभी पता है मॉर्निंग का जो अभी 8:30 बज चुके हैं, तो मैंने नाश्ता बना लिया है और चाय भी हम लोगों ने पी ली है, नाश्ता भी कर लिया है। तो अभी मुझे ना जो बच्चे सो रहे थे, अभी हमारे यहाँ ठंड पड़ रही है तो बच्चे सो रहे थे तो बिस्तर ऐसे लगे हैं, तो अभी मुझे समेटने हैं और मैंने कहा वीडियो को एंड कर देती हूँ। और मुझे अभी दूसरा ब्लॉग्स भी यहीं से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये जो ब्लॉग्स है ये अभी आज ही जाएगा, और ये जो अभी मैं दोबारा से बनाऊँगी तो ये कल जाएगा, तो इस वजह से मैंने कहा चलिए थोड़ा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, इसके बाद से वीडियो का एंड करने के बाद फिर मैं दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा,
और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करिए। तो चलिए फिर मिलूंगी एक अच्छे दूसरे वीडियो में, तो बाय।